आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 57,88,086 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 86,508 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,129 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 91,691 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 684 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में जहां पांचवें दिन नए कोरोना संक्रमित की तुलना में अधिक मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 16वें दिन बाद 700 से कम मरीज मिले। बृहस्पतिवार को 684 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 1031 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि इस दौरान 13 संक्रमितों की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को 9,082 सैंपल जांच में निगेटिव मिले, जबकि देहरादून जिले में 161, उधमसिंह नगर में 131, अल्मोड़ा में 114, हरिद्वार में 80, नैनीताल में 58, उत्तरकाशी में 42, पौड़ी में 32, पिथौरागढ़ में 27, चमोली में 17, रुद्रप्रयाग में 14, चंपावत में 5 और बागेश्वर में 3 संक्रमित मिले हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 44,404 हो गई है। इसमें से 32,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 6-6 और HNB बेस अस्पताल श्रीनगर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 44,404 हो गया, जबकि 32,355 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 11,507 केस एक्टिव हैं, 542 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 11,841, नैनीताल में 5,445, टिहरी गढ़वाल में 2,106, हरिद्वार में 8,642, उधमसिंह नगर में 7,972, पौड़ी गढ़वाल में 1,622, अल्मोड़ा में 1,324, बागेश्वर में 567, चमोली में 886, पिथौरागढ़ में 970, रुद्रप्रयाग में 635, उत्तरकाशी में 1,766, चंपावत में 658। टोटल मामले 44,404 हो गए हैं। देश भर में आज चक्का जाम। तो कृषि विधेयक विरोध संसद के बाद अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सितंबर को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। भारत बंद को विपक्ष में शामिल कई राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है। भाकियू प्रवक्ता और यूपी के किसान नेता राकेश टिकोत ने कहा कि चक्का जाम में पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन एकजुट होंगे। पूर्व विधायक कृष्णचंद पुनेटा का निधन। तो अविभाजित उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे कृष्णचंद पुनेटा का बुधवार रात फोर्ती गांव स्थित अपने आवास में निधन हो गया। 10 अक्टूबर तक पूरक परीक्षा का परिणाम तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 12वीं कक्षा के पूरक परीक्षाओं के नतीजे 10 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। पिथौरागढ़ में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। तो चंडाल क्षेत्र के छाना गांव में गुरुवार शाम 11 वर्षीय किशोरी को गुलदार ने मार डाला। किशोरी देर शाम घास काट करके अन्य महिलाओं के साथ घर लौट रही थी। इस बीच गुलदार किशोरी को झपट्टा मारकर खींच ले गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब पाखरों में भी टाइगर सफारी। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ज़्यादातर पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार बाघ नहीं दिखने पर उन्हें मायूस होना पड़ता है। अब यहां पर्यटकों को बाघ का दिखना तय है। कॉर्बेट प्रशासन पाखरों ने 106 हेक्टेयर में टाइगर सफारी की शुरुआत करने जा रहा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NTCA से मंजूरी मिल गई है। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का पहला हिमपात हुआ है। तो जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र पंचाचूली, हंसिल, नगरीधुरा सहित कई ऊंची चोटियों पर बुधवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ। हिमपात के बाद तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। मुनस्यारी में सुबह शाम ठंडा होने लगा है, जिसके चलते लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। वहीं धारचूला की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। सड़ गुमन मामले में मंत्री व नौकर शाह आमने सामने। तो CM ने दिए जांच के आदेश। CS ने कहा वरिष्ठ IAS से कराएं सभी पहलुओं की जांच। तो IAS अधिकारी वी सड़ गुमन के मामले में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य और नौकर शाह आमने सामने आ गए हैं। मामला बढ़ता देख CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने CS ओम प्रकाश से किसी वरिष्ठ IAS से सभी पहलुओं की जाँच कराने को कहा है। CS कार्यालय ने जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चीन से विवाद खत्म करने के लिए शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक पहल नहीं, तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन से जारी विवाद खत्म करने के लिए भारत फिलहाल शीर्ष स्तर कूटनीतिक बातचीत की पहल नहीं करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, विवाद वाली जगहों से सेनाएं को पीछे हटाना एक जटिल प्रक्रिया है, साथ ही जमीन पर स्थिरता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। वेतन मिलने में देरी से नाराज स्वजल कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, तो कहा पिछले 6 महीने से नहीं मिला वेतन, करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। अभिभावकों का 28 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, तो फीस को लेकर के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी का आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने 28 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। मृतक आश्रितों को संविदा पर रखने का विरोध किया गया है, तो परिवहन निगम प्रबंधन से नियमित कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति की मांग की गई है। सरकार को नहीं सुहा रहा तहरीर का तरीका, तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य का अपने विभागीय निदेशक के खिलाफ पुलिस को दिया गया पत्र और उसकी भाषा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सरकार और शासन इससे असहज हैं। कोई आरोप साबित हुआ तो राजनीति से लूंगी संन्यास, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से की गई टिप्पणी पर रेखा आर्य ने किया पलटवार, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यदि मुझ पर कोई भी आरोप साबित कर दिया तो मैं राजनीतिक से जीवन से संन्यास ले लूंगी, यह कहना है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य का। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राज्य मंत्री रेखा आर्य ने यह बात कही है। पुलिस ने IAS के बारे में मंत्री को दी अधिकृत जानकारी, तो IAS वी षडगुमन के बारे में पुलिस ने मंत्री रेखा आर्य को अधिकृत जानकारी दी है। इस संबंध में DIG ने बृहस्पतिवार को SP क्राइम को निर्देश दिया था। दरअसल मंत्री रेखा आर्य ने 2 दिन पूर्व DIG को IAS वी षडगुमन के अपहरण या गायब होने की सूचना दी थी। इस संबंध में DIG अरुण मोहन जोशी ने SP क्राइम लोकजीत सिंह को जाँच सौंपी थी। SP क्राइम ने जब जाँच शुरू की तो 1 घंटे के भीतर ही मामला पटापेक्ष हो गया। पता चला कि वी षडगुमन अपने घर में 2 दिन से क्वारंटाइन है। बृहस्पतिवार को SP क्राइम ने अपनी जांच रिपोर्ट DIG अरुण मोहन जोशी को सौंप दी। बुधवार को मंत्री के बयान दिया गया था कि अभी तक उन्हें इसकी अधिकृत जानकारी नहीं है कि सी षडगुमन वास्तव में कहाँ है। इस मामले में DIG ने बताया कि मंत्री को जानकारी दे दी गई है। किसानों को होगा फायदा, बिचौलियों की होगी छुट्टी, तो PM किसानों की हितैषी, कृषि में होंगे क्रांतिकारी परिवर्तन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी सरकार ने 3 कृषि विधेयकों को पारित करके किसानों के हित के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश में जल्द शुरू होगा अंतर्राज्यीय बस संचालन, तो राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अब अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने का भी मन बना लिया है। हालांकि इसकी शुरुआत सीमित बसों के संचालन से होगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजा है। शुक्रवार को इस संबंध में SOP जारी हो सकती है। हड़ताल पर अनुशासनहीनता की तलवार, तो टनकपुर जोलजीवी सड़क के टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा अपनी ही सरकार की कटघरे में खड़ा करने वाले विधायक पूरन सिंह हड़ताल पर भाजपा कार्रवाई कर सकती है। हड़ताल ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना लगाकर संगठन और सरकार दोनों को असहज कर दिया। जिले में लॉकडाउन से बंद बार आज से खुलेंगे, तो मार्च से बंद पड़े जिले में बार शुक्रवार से खुलने जा रहे हैं। कोरोना से खराब हो रही आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए लंबे समय से बार संचालक इन्हें खोलने की मांग कर रहे थे। गुरुवार को जिलाधिकारी ने बार खोलने की स्वीकृति दे दी है। यमुना में लापता युवक का पता नहीं, तो यमुना नदी में नहाने के दौरान लापता हुआ प्रेमनगर निवासी युवक 12 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया। गुरुवार को SDRF जल पुलिस व कोतवाली पुलिस की टीम सुबह से लेकर शाम तक युवक को तलाशती रही। यूपी राजस्थान के लिए चलाएंगे 100-100 बस, तो केंद्र सरकार की रियायत को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू करने को सहमत हो गई है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ 100-100 बस चलाने की योजना है। परिवहन विभाग ने इस पर अनुमति के लिए प्रस्ताव CM ऑफिस को भेज दिया है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। मास्टर PhD की प्रवेश परीक्षा 26-27 को,
तो पंतनगर विश्वविद्यालय में मास्टर एमसीए और पीएचडी की वर्ष 2020-21 की प्रवेश परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के चलते 26 और 27 सितंबर को ऑनलाइन होंगी। यूओयू नकल करते धरे गए 27 छात्रों के पेपर निरस्त कर दिए गए। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने दिसंबर सत्र की परीक्षा के नकल प्रकरणों का निपटारा कर दिया है। तो यूएफएम मामलों की समिति ने जांच के बाद 27 छात्रों के प्रश्न पत्र निरस्त कर दिए हैं। श्रीनगर में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं केदारनाथ में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। तो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड वार्ड में भर्ती 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। 84 निवासी उक्त व्यक्ति को 13 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थालीसैन बाजार बंद, 16 कोरोना मरीज मिले हैं। बोटिंग करने के लिए टिहरी झील पहुँच रहे पर्यटक, तो अनलॉक 4 के तहत बोटिंग की टिहरी झील में शुरुआत होने के साथ ही पर्यटक व स्थानीय लोग यहां पहुंचने लगे हैं। इससे बोट यूनियन से जुड़े युवाओं का रोजगार जोर पकड़ने लगा है। मुंशियारी से खबर आई है, जहां पे जमींदोज घर से 25 तोले सोने के जेवर मिले हैं। तो मोरी में जमींदोज हो चुके मकानों की खुदाई के दौरान एक मकान के मलबे में 25 तोला सोना मिला है। बेटी के विवाह के लिए खरीदे सोने के जेवर सुरक्षित मिलने से मकान स्वामी आपदा के जख्मों को भुलाकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने अब कहा, अब बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। खबर है लोहागार से, जहां पे किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी धरा गया। तो बाराकोट के एक गांव में किशोरी को भगाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी युवक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सैलानियों के इंतजार में मुरझा रही फूलों की घाटी, तो इस बार फूलों की घाटी की रंगत पर्यटकों की राह देखते देखते गायब हो गई है। घाटी में अब ना मात्र के फूल खिले हुए हैं। इस सीजन में साहसिक यात्रा के शौकीन और घाटी के सौंदर्य को निहारने के लिए 530 पर्यटक ही पहुंचे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को अब अगले वर्ष से घाटा में फिर से पर्यटकों के उमड़ने की उम्मीद है। शर्तों में ढिलाई ने सैलानियों की उम्मीद जगाई, तो मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को दिए सुरक्षा इंतजाम के निर्देश। तो एक से बिना रोक टोक लेंस डाउन जा सकेंगे पर्यटक। तो छावनी परिषद की ओर से आयोजित छावनी अधिकारी और बोर्ड सदस्यों की बैठक में 1 अक्टूबर से लेंस डाउन में पर्यटकों के प्रवेश और यहाँ के होटलों में रुकने के लिए लगी पाबंदी समाप्त करने का फैसला लिया गया है। अब 1 अक्टूबर से पर्यटक नगर में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी भूपति रोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनलॉक 4 को लेकर के चर्चा की गई है। 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया, तो एमएसपी में इजाफा किया गया। तो प्रदेश में 242 केंद्रों के माध्यम से किसानों से की जाएगी धान की खरीद। देवस्थानम बोर्ड में 5 तीर्थ पुरोहित को मिलेगी जगह, तो बोर्ड में तीर्थ पुरोहित से नामित होने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। अटल आयुष्मान और बढ़ेगी पंजीकृत अस्पतालों की संख्या, तो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 3रे साल की योजना बनाई है। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से की सरकार की शिकायत, तो एक दिन के विधानसभा सत्र में कोविड-19 व अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा न कराने की शिकायत कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से की है। गीता राम नोटियाल की बहाली के मामले में जवाब देने के निर्देश, तो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीमा सील होने से मायके नहीं जा पा रही हैं बेटियां, तो चंपावत बनबसा से खबर आई है, जहां पे कोरोना काल में भारत नेपाल सीमा सील होने से रोटी के साथ ही बेटी पर भी असर पड़ा है। कोरोना महामारी के चलते सीमा सील होने से दोनों देशों की बेटियां अपने मायके नहीं जा पा रही हैं। बात करते देहरादून की खबरों की, तो 6 माह की बंदी के बाद आज से बार खुलने जा रहे हैं। भारत बंद पुलिस अलर्ट, उपद्रव पर होगी सख्ती। तो किसान आंदोलन को लेकर के देहरादून और हरिद्वार में पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने हर हरकत पर पैरी नज़र रखने को कहा है। अराजकता करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आज घर से निकले तो ज़रा सतर्क रहें। तो शुक्रवार को अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें। कृषि बिल के विरोध में शुक्रवार को शहर में कई जगह पर प्रदर्शन होंगे। हालांकि हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। बाकियों ने किया आईएसबीटी पर प्रदर्शन, चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं देहरादून में 161 और कोरोना की पुष्टि हुई है। तो संक्रमित युवक की मौत हो गई, तो दून अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 21 साल के युवक की मौत हो गई। वहीं देहरादून में 8 नए कंटेनमेंट जोन और बनाए गए हैं।
वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे पैनल फूकने से हजारों लोग पानी के लिए तरसने लगे हैं। प्रेमनगर में पूछते पूरे नहीं दुकानें बनने शुरू हो गई, तो कई बार शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई। तो प्रेमनगर में 2 साल पहले हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई दुकान फिर वहीं बनने लगी हैं। वहीं पर तो NH की ओर से अभी पुस्ते का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है कि उस पर लोहे के एंगल डाल करके दुकानें बनाई जा रही हैं। रेलवे स्टेशन की दुकानों में शुल्क पर असमंजस, तो रेलवे स्टेशन पर 2 दर्जन से अधिक दुकानों के लाइसेंस शुल्क को लेकर के असमंजस बरकरार है। टनकपुर जौलजीवी मार्ग टेंडर घोटाले की जांच हो, तो आम आदमी पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला है। कारगी में 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ है, तो रुपए के लेन देन को लेकर हुआ झगड़ा, पुलिस की गाड़ी का शीशा टूटा है, कुछ लोगों को लिया हिरासत में, मौके पर PSC बुलाई गई है। तो लोक संस्कृति कॉलोनी में दोपहर में 2 पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर के हुए झगड़े ने देर रात बड़ा रूप ले लिया। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि देर रात कारगी ग्रांट में इन्होंने एक दूसरे पर पथराव कर दिया, इससे पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि स्थिति बिगड़ने से पहले वहाँ पुलिस पहुँच गई और हालत काबू करने के लिए पुलिस PSC बुलानी पड़ी। पुलिस दोनों पक्षों के वाहन को कोतवाली ले गई, दोनों ओर के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लूट की झूठी सूचना पर दौड़ी पुलिस, तो एक शख्स ने शराब के नशे में पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे दी। पटेल नगर में सराफा में हुई लूट के बाद पहले से अलर्ट पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई। छानबीन में मामला फर्जी निकला, तो पुलिस ने सूचना देने वाले के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही उसकी बाइक भी सीज कर दी। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे पुलिस ने की कई लोगों से पूछताछ, अहम सुराग मिले, तो पटेल नगर लूटपाट में पुलिस की जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। खबर आई सेलाकोई से, जहां पे करंट लगने से ऑपरेटर की मौत हो गई, तो सेलाकोई में दवा बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो वायुसेना में शामिल होने का मौका, तो भारतीय वायुसेना में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें एयरमैन एक्स ग्रुप की वैकेंसी है, तो इसके लिए रैली की जो तिथि है वो 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई है वो 27 से 28 सितंबर तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विभिन्न पदों पर अवसर, तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें 1661 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 26 सितंबर है, तो 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहां पर 25 अक्टूबर तक इसकी हार्ड कॉपी भी भेजना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बम्पर भर्ती, तो 4638 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 2 नवंबर तक रखी गई है। प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित कई पद खाली, तो 36 पद यहाँ पर खाली हैं, तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट यहाँ पर दी गई है और यहाँ से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। सुरक्षा कवच 90% तक कोरोना वायरस को रोक लेता है मास्क, तो मास्क का सही इस्तेमाल आपको कोरोना से काफ़ी बचा सकता है। दरअसल मास्क 90% तक वायरस को रोक लेता है, बाकी 10% वायरस के शरीर में पहुंचते ही इंसान की प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है। कोरोना काल में क्रिकेट नियमावली जारी, तो एसोसिएशन ने जारी किया SOP, आयोजन के लिए DM व CMO की अनुमति जरूरी है। नीट परीक्षा आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दिया गया, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा NEET UG देने वाले छात्रों को आवेदन में गलती सुधार का मौका दिया है। इसके तहत 30 सितंबर की शाम 5 बजे तक आवेदन में गलती सुधारी जा सकती है। केदारपुरी में दुर्लभ वन्य जीवों की होगी निगरानी, तो केदारनाथ में वन्य अपराध नियंत्रण चौकी बनकर तैयार हो गया है। वहीं केदारनाथ में ब्रह्म कमल के संरक्षण का कार्य भी शुरू हो गया। प्रधान और वार्ड मेंबर की 25 सीटें महिलाओं के लिए हुई आरक्षित, तो कोडर से खबर आई, जहां पे गत वर्ष पंचायत चुनाव में आरक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से जिला प्रशासन ने पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न ब्लॉकों में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य
पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी की है। गोपेश्वर से खबर है जहां पे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी, एयरलिफ्ट से देहरादून पहुंचाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बद्रीनाथ में मत्था टेका है। वहीं खबर है पौड़ी से जहां पे शराब तस्करी के आरोप में युवा कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल कॉलेज में एक संक्रमित की मौत, तो बुजुर्ग को सांस लेने में थी दिक्कत। वहीं खबर आई रुद्रप्रयाग से जहां पे बिना मास्क धाम पहुंच रहे हैं कई यात्री। टिहरी में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। वहीं चमोली में कोरोना के 55 नए केस सामने आए। डीएफओ दफ्तर 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। खस्ता हाल सड़कों पर जोखिम भरा सफर, तो खबर आई नई टिहरी से जहां पे बरसात और ऑल वेदर परियोजना के कारण टिहरी की 4 सड़कें बंद हैं, 8 की हालत खस्ता हाल है। खबर है पोखरी से जहां पे रोजगार के लिए कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। नारायण बगर गोपेश्वर से खबर है जहां पे गर्भवती के लिए जरूरी संतुलित आहार, तो पोषण सप्ताह के तहत गर्भवती और किशोरियों को जानकारी दी गई। खबर है नई टीवी से जहां पे 100 प्रवासियों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 3 लाख का ऋण, तो जिला सहकारी बैंक की बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए। कहा गया कि बैंक जिले के 100 प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए 3-3 लाख का ऋण 3 किस्तों में देगा। जेई एडवांस 85.39% को मिली पहली पसंद का परीक्षा केंद्र, तो देश के सभी 23 IIT में प्रवेश के लिए 27 सितंबर को होने वाली JEE एडवांस के लिए 85.39% छात्रों को उनकी पहली पसंद का परीक्षा केंद्र मिला है। 10 अक्टूबर से पहले इंटरनल सेशनल अंक भेजे संस्थान, तो श्रीनगर से खबर जहां पे कई बार के रिमाइंडर भेजने के बावजूद गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान इंटरनल सेशनल परीक्षाओं के अंक नहीं भेज रहे हैं, जिसके चलते विश्वविद्यालय को अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित करने में देरी हो सकती है। स्वर्ण जयंती पर लिया समाज सेवा का संकल्प, तो NSS के स्वयंसेवियों को कराया गया योगाभ्यास, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो पुलिस करती रही बैठक, बदमाश झपट ले गए कुंडल, तो लूट की वारदात को रोकने के लिए पुलिस पेट्रोल पंप और जेलर्स के साथ बैठक करती रही और बदमाश खनखल में एक महिला दुकानदार के कानों से कुंडल झपट कर फरार हो गए। जाते समय लुटेरे थैले में रिफाइंड के पैकेट भी भरकर ले गए। मौके पर आई पुलिस लुटेरे की घेराबंदी के बजाय CCTV कैमरों में लुटेरों की तस्वीर ढूंढने की लकीर पीटती रही। ऊर्जा निगम को 10 घंटे लगे फॉल्ट ढूंढने में, तो उत्तरी हरिद्वार में भूमिगत बिजली की लाइन में फॉल्ट आने से 50,000 की आबादी परेशान रही। रात भर शव के साथ शमशान में रहा परिवार, तो रुड़की से खबर आई जहां पे कोरोना काल में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हो गई है। कोरोना के डर के चलते मकान मालिक ने किराएदार का शव घर लाने से इनकार कर दिया। ऐसे में बनारस से पहुंचे परिवार के लोग शव को शमशान घाट ले गए। यहां उन्होंने पूरी रात शव के साथ गुजारी और अगली सुबह शहर के कुछ लोगों की मदद से अंतिम संस्कार किया। IIT रुड़की ने लॉन्च की हैंड वॉश मशीन, तो IIT रुड़की ने कोरोना के मद्देनजर फुट ऑपरेटर हैंड वॉश वेडिंग मशीन लॉन्च की है। सड़क और अंडरपास के लिए हाईवे जाम करने की चेतावनी, तो भारतीय किसान यूनियन की पंचायत ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की है। निजीकरण के खिलाफ उतरी भीम आर्मी, तो कई जगह किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। वहीं खबर है हरिद्वार से ही जहां पर स्टेशन का मुख्य गेट खोले रेलवे, तो मेयर और व्यापारियों ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मास्क पहनने को कहा तो कर दिया हमला, तो सुल्तानपुर से खबर है जहां पे भिकमपुर गांव के चौराहे के पास बुधवार को शाम चेकिंग कर रहे एक PRD कर्मी पर बाइक सवार युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया।
एक दिन पहले युवती का शादी से इनकार, तो लड़की से खबर है जहाँ पे दहेज मांगने से भड़की युवती ने बारात आने के से एक दिन पहले ही शादी से इनकार कर दिया। इस पर दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे और शिकायत की। पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत का समझौता कराने का प्रयास कर रही है। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र स्थित गाँव बिझोली निवासी एक युवक का रिश्ता लड़की की युवती से तय हुआ था। बृहस्पतिवार को युवती की बारात आनी थी। बताया जा रहा है कि युवक पक्ष ने शादी में दहेज की मांग की, यह बात युवती को नागवार गुजरी। खबर है हरिद्वार से, जहां पे अंतिम संस्कार करने के बाद आई कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव, तो कांग्रेसी नेता ने 21 सितंबर को जिला अस्पताल में दिया था सैंपल। तो कांग्रेस के नेता तेजपाल सिंह की कोरोना की रिपोर्ट अंतिम संस्कार के अगले दिन आई। बीमार होने पर उनका सैंपल जिला अस्पताल 21 सितंबर को लिया गया था। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जाने लगे तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुँची और परिजनों को बताया कि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो नदी और नाले उफनाए, चौर गलिया में ग्रामीण बह गया। तो भारी बारिश से बृहस्पतिवार को नदी और नाले उफना गए। चौर गलिया के नधोर नदी पार कर रहे ग्रामीण की बहने से मौत हो गई। वह जंगल घास लेने गया था। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 3 नल को खराब बारिश से भी जनता पानी को तरसी है। आयोग के उपाध्यक्ष से मारपीट में 2 आरोपी धरे गए, तो सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। LLM में ऑनलाइन पंजीकरण 25 सितंबर से, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने दिशा निर्देश का अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2020 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट हर्मिटेज नैनीताल में LLM पर प्रथम सेमेस्टर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं PhD में आवेदन को अंतिम तिथि 30 सितंबर है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। कॉर्बेट पार्क पाखरो से भी अब टाइगर सफारी होगा। इसी के साथ खबर आई, 15 नवंबर से खुलेगा नया रिंगोड़ा जोन। तो कॉर्बेट के बिजरानी पर्यटन क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 68 किलोमीटर मार्गों पर पर्यटन वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जो 4 घंटे की अवधि में पूर्ण होने का होना संभव नहीं है। नैनीताल की पॉजिटिव दर राष्ट्रीय दर से ज़्यादा है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे हर कोई बेपरवाह, किसी को नहीं है शहर की चिंता। तो अपने शहर की चिंता किसी को नहीं है, सड़क किनारे जहाँ तहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे 40 में से एक भी स्कूल की नहीं आई शिकायत। तो निजी एवं पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस से अधिक फीस लिए जाने की शिकायत के बाद दूसरे चरण की जांच पड़ताल भी पूरी हो गई। दूसरे चरण में भी 40 स्कूलों में से एक भी स्कूल की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वहीं खबर है, सिर्फ 100 लोगों के साथ कैसे होगी रामलीला। तो सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अब सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस छूट के साथ भी रामलीला का मंचन मुश्किल लग रहा है। मेडिकल कॉलेज में 15 डॉक्टरों ने नहीं संभाला कार्यभार। तो खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे अंतिम तिथि तक अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 3 डॉक्टर ने ही कार्यभार ग्रहण किया है। हिमपात के बाद हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो जिले में उच्च हिमालय क्षेत्रों में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। हिमपात के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 1.5 घंटे बंद राष्ट्रीय राजमार्ग, तो लगातार दूसरे दिन टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग ने वाहनों का रास्ता रोका। बृहस्पतिवार को यह मार्ग 1.5 घंटे से अधिक वक्त के लिए बंद रहा। कुमाऊं की खबरों की बात करें, तो कृषि विधेयकों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया है। तेंदुए ने छाना पांडे में बालिका को मार डाला। तो चंडाक के छाना पांडे में तेंदुए ने 11 वर्षीय बालिका को मार डाला। सदन में शोरगुल पर, आगे नहीं सरक रही सड़क। तो नेपाल सीमा से लगे भारतीय हिस्से में निर्माणाधीन TJ टनकपुर जलजीवी मोटर मार्ग की रफ्तार पर भले ही ग्रहण लगा हो, लेकिन सियासत के मैदान में यह मुद्दा खूब चर्चा पा रहा है।
रोजगार का जरिया बना कीवी, तो खबर है चंपावत से, जहाँ पे जनपद में कीवी उत्पादन रोजगार का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। किसान अब सेब की जगह कीवी की बागवानी को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं खबर आई है 7,433 लोगों को स्वरोजगार में रुचि, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पर सड़क धंसी, कार गिरी, 3 घायल हो गए। तो बट्टा से तल्ला रियासी में कैलाश आश्रम के पास सड़क धंसने के कारण एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, सभी को मामूली चोटें आई हैं। दुस्साहस, मई में लिपुलेख में जनगणना कराएगा नेपाल। तो नेपाल के कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख में जनगणना कराने के फैसले पर सीमांत लोगों ने नेपाल के प्रति भारी गुस्सा है। लोगों ने कहा भारतीय क्षेत्र में जनगणना को नहीं होने दिया जाएगा। सीमा सील होने के से मायके नहीं पहुंच पा रही हैं बेटियां। सैनिटाइजर के छिड़काव से तितलियों की संख्या घटी है, तो इंडियन टॉर्टाइल सेल और मोनार्क की संख्या में भी कमी आई है। वहीं खबर आई है आज पद यात्रा निकालेगी चंपावत जिला विकास की संघर्ष समिति। एसएसजे परिसर में 490 विद्यार्थियों ने दी परीक्षाएं, तो एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में कुमाऊं विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जारी हैं। बढ़ती जा रही शिविरों में रह रहे आपदा पीड़ितों की चिंता, तो स्कूल भवनों और टेंटों में भविष्य को लेकर के चिंतित हैं आपदा प्रभावित जोसा गांव के लोग। वहीं खबर है टनकपुर से, जहां पे कोरोना संक्रमित एक और बुजुर्ग की मौत हो गई, तो 2 दिन पहले ही कोरोना संक्रमित बड़े भाई की भी मौत हुई थी। टनकपुर से खबर है जहां पे पहले जहर खाया फिर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, तो सादा चुंगी निवासी एक युवक ने पहले जहर खाया फिर उपचार के लिए खुद ही संयुक्त चिकित्सालय पहुंचा। खबर आई है टनकपुर से, जहां पे लट्ठा लदा ई रिक्शा, बाइक और साइकिल छोड़ फरार हुए लकड़ी तस्कर। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे चौपटिया की वादियों में दिखेगी स्वदेशी सेब की रंगत, तो मदर प्लांट को संरक्षित करने का कार्य शुरू हो गया है। बागेश्वर से खबर है, जहां पे 2 और बच्चे गलघोटू की चपेट में आए हैं, तो बागेश्वर जिले में चचई के अलावा अब अन्य गाँव में भी रोग ने दस्तक दे दी है, तो अब तक 7 बच्चों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा के कोरोना संक्रमित 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना संक्रमित अल्मोड़ा के 3 साल के बच्चे सहित 2 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर अल्मोड़ा और बागेश्वर में बृहस्पतिवार को 133 नए मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 123 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि बागेश्वर में 104 का इलाज चल रहा है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो उधमसिंह नगर जिले में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की कमी नहीं है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव निधिमणि त्रिपाठी ने जिले में कोविड-19 के कार्यों की समीक्षा की है। जिले में कोरोना के 103 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ खबर आई है कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली 27 को होगी। साइकिल से 1905 किलोमीटर का सफर कर रुद्रपुर पहुंचे पंकज, तो भारतीय वायुसेना के तेजपुर केंद्र में कार्यरत हैं। खबर है काशीपुर से, जहां पे पहले ही चरण में फ्लॉप हो गई 102 करोड़ की अमृत योजना, तो फिलहाल 5 जोन में बिछेगी लाइन, 3 जोन का प्रस्ताव एडीबी को भेजा गया है। खबर है काशीपुर से, जहां पे किशोरी से दुष्कर्म में कुकर्म के बाद बालक की हत्या की गई, तो आईटीआई थाने में एक किशोरी से दुष्कर्म किए जाने के मामले में केस दर्ज हुआ है, जबकि दूसरी किशोरी की आपत्तिजनक फोटो भेजकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। किच्छा निवासी किराएदार ने मासूम का गला रेत दिया, तो खबर आई है बड़ेती से, जहाँ पे यूपी उत्तराखंड सीमा पर स्थित बड़ेती के एक गाँव में किराएदार ने मकान मालिक के 5 साल के बेटे का अपहरण कर कुकर्म के बाद उसकी हत्या कर दी।
वहीं खबर है सितारगंज से, जहां पे एक क्विंटल मांस पकड़ा गया है। तो स्थानीय पुलिस और गोवंश संरक्षण स्क्वाड कुमाऊं परिक्षेत्र की टीम ने बघोरी गांव में दबिश देकर के करीब एक क्विंटल मांस के साथ चार आरोपियों को पकड़ा, जबकि दो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया है। वहीं किच्छा से खराब है, जहाँ पे 60 लीटर शराब के साथ एक को धरा गया है। बिजली चोरी करते पकड़े गए 12 लोग। तो खबर है रुद्रपुर से, वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहाँ पे डंपर की टक्कर से टूट गया खंबा। तो बाजपुर से खबर आई है, साल की लकड़ी बरामद, तस्कर फरार हो गए हैं। तो टनकपुर से खबर आई है, युवक को गोली मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे गोली लगने से घायल हुए युवक के साड़ू ने अज्ञात लोगों के पर हत्या के प्रयास से मुकदमा दर्ज कराया है। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे बिना प्रधानाचार्य के संचालित हो रहे हैं 9 सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूलों में सरकार की गुणवत्ता परक शिक्षा मुहैया कराने के दावे खोखले साबित हो रही हैं।